आरकेपुरम इलाके में निगम पार्षद तुलसी जोशी ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान के तहत आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर आरकेपुरम इलाके में पार्क के अंदर साफ सफाई करी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आरकेपुरम इलाके की, जहां पर आप देखिए खुद निगम पार्षद तुलसी जोशी झाड़ू लगाती हुई नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत करी गई इस कार्यक्रम को अब दिल्ली में जगह जगह पर निगम पार्षद और बीजेपी के कार्यकर्ता इसको करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी क्रम में आरकेपुरम की निगम पार्षद तुलसी जोशी आरकेपुरम इलाके में झाड़ू लगाती हुई नजर आ रही हैं और यहाँ पर साथ ही स्थानीय आरडब्ल्यूए के लोग भी हैं और स्थानीय लोग के साथ मौजूद होकर इस कार्यक्रम को किया गया गंदगी भारत छोड़ो अभियान के तहत। खासतौर से आरकेपुरम इलाके में कई जगह एक पोस्टर लगाया है कि एमसीडी स्तर में करो, बीजेपी स्तर में करो, गंदगी नहीं भगा पाए। देखिए जो इन्होंने बैनर लगाया, मुझे अभी संज्ञान में आया कि इन्होंने ऐसे ऐसे बैनर लगाया क्योंकि ये घबराए हुए हैं कि इन्होंने देखा कि भाई हम शुरू से, क्योंकि ये मोदी जी की ही मुहिम थी स्वच्छता थी, तो आज से पहले कितने इन लोगों ने या किसी भी पार्टी ने इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया। और उस समय जब लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने स्वच्छता की बात की, शौचालय की बात की, तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि एक पीएम होके ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए आज उसका इम्पैक्ट इतना है कि हर गंदी हर बंदा जो भी है हर व्यक्ति को रहता है कि स्वच्छता होनी चाहिए आसपास, और हर बंदा अपने उसमें सहभागिता भी दिखाता है। स्वच्छता की बात करें, अभी हम सेक्टर 12 में गए थे, आपकी टीम भी हमारे साथ में, ये लोग भी हमारे साथ में थे, मीडिया भी था, और इन्होंने स्वयं अपने कानों से सुना था वहाँ पर एमसीडी का ड्रेन जो पहले जल बोर्ड का हमारे पास हुआ करता था एमसीडी के पास में, और अब पानी और सीवर जल बोर्ड के पास है। लेकिन लोगों को अभी भी इस तरह का भ्रम है कि सीवर जो है वो एमसीडी के पास ही है, बट एक्चुअली में वो जल बोर्ड के पास में है। तो उन्होंने हमें बताया, हम गए वहाँ पे, पूरा सीवर भरा हुआ था और वो दिल्ली सरकार का जल बोर्ड का जो विभाग है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। हमने उसी समय फ़ोन किया, उनको बताया कि इतने दिनों से ड्रेन भरी पड़ी है, आप इसको सफा करें, क्योंकि लोग हमें बोलते हैं कि उनको अभी भी ये लगता है कि जो सीवर सिस्टम है वो हमारे पास है। तो ये एक बड़ा जागता, आप वहाँ से आप बल्कि फोटो भी लेकर आए, वो जो ड्रेन भरा हुआ था उसकी, तो वो सीवर पूरा भरा हुआ है। वन दूसरा, अभी इन लोगों ने इलेक्शन से पहले, क्योंकि पूरे 5 साल तो इन्होंने कोई काम किया नहीं और जिस काम की आवश्यकता नहीं थी वो फुटओवर ब्रिज इन्होंने अभी बनाया है जो मोहन सिंह मार्केट के, वहाँ जालियाँ बीच में सारी टूटी पड़ी हैं। उसका पर्पस क्या था कि भाई लोग उससे क्रॉस करें, लेकिन अगर आपकी जालियाँ सारी टूटी हुई हैं बीच में तो लोग तो फिर भी वहीं से आएंगे, तो आपको पहले उस व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए था और उसके बाद फुटओवर बनाना था। जी के उस पर संज्ञान लेंगे आप जो बोर्ड लगाया गया, क्योंकि एक तरफ आप लोग स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और वहीं साउथ दिल्ली जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है उसको दिखाया गया कि एमसीडी शर्म करो। मैं उसी उसमें बता रही हूँ आपको, आप वहाँ खुद जाकर विजिट कीजिए, जो इन्होंने फुटओवर ब्रिज बनाया आप उसके आसपास देखिए, इन्होंने पूरी गंदगी मचा रखी है, पूरा मलबा वहाँ गिरा हुआ है, वो मलबा आज तक ठीक नहीं हुआ। इस बात को तकरीबन 4-5 महीने हो गए वो काम पूरा हुआ हुए और इन लोगों ने अभी तक उस मलबे को वहाँ से रिमूव नहीं किया है। वही नहीं, सेक्टर 12 में भी जो पेट्रोल पंप के पास में भी इन्होंने फुटओवर ब्रिज बनाया है, आप वहाँ देख कर आइए, इतनी गंदगी मचा रखी है और पूरा मलबा है। और आप समझ सकते हैं जब कहीं पर भी इस तरह का मलबा इकट्ठा हो जाता है तो लोग उसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये कूड़ा घर है और लोग वहाँ पर कूड़ा फेंकना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद ये आ जाता है कि जी एमसीडी ने सफाई नहीं की। तो अब आप इस चीज़ पे संज्ञान लें और आप समझे कि अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी किसकी थी। वहाँ पर उन्होंने काम किया तो उस मलबे को पूरे तरीके से उनको रिमूव करना चाहिए था, रिमूव ना करके अल्टीमेटली वो एमसीडी को कह रहे हैं कि हम सफाई नहीं कर रहे। आप आरकेपुरम के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको सफाई स्वयं से नजर आएगी। आपने खुद आरडब्ल्यूए से आप लोगों ने बात किया सुबह भी कि एमसीडी से रिलेटेड लोगों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जल बोर्ड की समस्या इतनी है, एरिया से रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम है, पीडब्ल्यूडी रोडों के ऊपर लाइट नहीं जलती है। आप रात को खुद विजिट कीजिए, जिस रोड की वो बात कर रही हैं जहाँ फुटओवर ब्रिज बनाया उस पूरी रोड के ऊपर लाइट नहीं जलती, बाबा गेनू मार्ग पे लाइट नहीं जलती, लोग परेशान हैं, कहाँ कंप्लेंट करें वो अटेंड नहीं करती हैं, दरवाजा वो खोलती नहीं, बात वो करती नहीं और क्षेत्र के अंदर वो आती नहीं। तो जब आप क्षेत्र के ये बैनर पोस्टर किसने लगाया है, जाहिर सी बात है हम समझ सकते हैं दिल्ली सरकार ने ही लगाया होगा, क्योंकि उनकी अल्टीमेटली अपील यही है, उनकी चॉइस यही है कि वो हर तरह से ये बोले कि भाई एमसीडी कुछ नहीं कर पा रही। उनकी पूरी मंशा यही है कि वो, क्योंकि वो हमें फंड भी नहीं दे रहे, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने उनको बताया कि हमने इतना पैसा उनसे लेना है, तो एक तरफ तो वो हमें फंड नहीं जारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो हमको इंटरोगेट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि हम सफाई नहीं कर रहे। लेकिन उनके कहने से कुछ नहीं होता, 4 बैनर लगा देने से कुछ नहीं होता, आप क्षेत्र के अंदर खुद विजिट कीजिए और देखिए हमारी सफाई व्यवस्था कितनी दुरुस्त है। थैंक यू।